हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ रूल्स। अगर आपको रूल्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आप वहां लिंक पर जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एंड गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ रूल इज़ परवेसिव। देखो, हर एक घर में रूल होता है, ठीक है, इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में रूल होता है और ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे रूल बनाया जाता है। इसीलिए सबसे पहला फीचर है रूल का कि ये परवेसिव है। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडिंग प्लान। देखो, रूल एक बार बन गया तो आप उसको कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो, इसीलिए जो रूल्स होते हैं ये स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, जिसको आप एक बार बनाओगे और हमेशा के लिए आप फॉलो कर सकते हो, जब तक कि आपको नहीं लगता कि नहीं, रूल के अंदर चेंज लेके आने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ऑब्वियस सी बात है, देखो, रूल्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रमोट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय स्मोकिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा। बट अगर आपने नो स्मोकिंग का रूल रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्डअप होगा, हेल्थ एंड वेल्थ जो है एम्प्लॉयज़ की वो बहुत अच्छी रहेगी। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंश्योर्स द क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्शन। देखो, घर में रूल बनाया कि किचन में जाओगे तो स्लीपर्स निकालोगे, ठीक है, अब उससे आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गई कि भाई किचन में जाना है तो स्लीपर्स निकाल के जानी है। फाइन, मतलब उसने आपको क्लैरिफिकेशन दिया कि आपका एक्शन क्या होना चाहिए। इन द सिमिलर वे, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम रूल्स को डेवलप करते हैं, रूल्स को बनाते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि उनके कौन से एक्शंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और कौन से एक्शंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं और कैसे उन्हें एक्शंस परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज रिजिड रूल्स। जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, रीजन बीइंग रूल्स जब बनाए जाते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं और टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट वो सही होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसके अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस को लेकर आना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, अगर आपने नो स्मोकिंग का रूल बनाया, अब इसके अंदर आप क्या चेंज लेकर आओगे, ये रूल एक रिजिड रूल है। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंजेंट, मतलब स्ट्रिक्ट। जब भी रूल्स बनाए जाते हैं तो वो स्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। फाइन, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि नहीं, अगर आप एक काम कर सकते हो, 4 PM से लेकर 5 PM तक स्मोकिंग कर सकते हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं, स्ट्रिक्टली अगर नो स्मोकिंग मीन्स नो स्मोकिंग, कोई भी एम्प्लॉय को किसी भी तरह की लीनियंसी उसके अंदर नहीं दी जाती है। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हम सिंपलेस्ट टर्म में समझ सकते हैं कि रूल्स हमें ये बताते हैं दैट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। फाइन, फॉर एग्जांपल, जैसे हमने घर में रूल बनाया कि भाई 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, तो आपने एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर दिया। अब आपको पता है कि 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। फाइन, सो इन सिमिलर वे अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स बनाए जाते हैं, तो वो कोड डेवलप करता है आपके कंडक्ट के लिए, आपके एक्शंस के लिए, कि आपको क्या एक्शंस करने हैं और क्या एक्शंस आपको नहीं करने हैं। So all these 7 are the features of the rules. Hopefully all these are clear. But if you have any doubt, you can, again I will say same thing, you can post it in the comment box and I will help you to clear them. Bye bye everyone. Thank you all. Like, share and comment karna mat bhulna, subscribe bhi karna hai, bell icon bhi press karna hai. Bye bye everyone.